सबसे दुखद बात थी कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों नेताओं ने आदिवासियों के हितैषी बनने का दम भरा। आप सबों को हम कई बार दस्तावेजों से यह सिद्ध कर चुके हैं कि किस तरीके से सोरेन परिवार झारखंड में सबसे ज्यादा सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन को कब्जा करने वाला सबसे बड़ा जमींदार परिवार है। बाबूलाल जी का तो बस सड़क के उस ओर जीता जागता उदाहरण काव्य के रूप में मौजूद है, जो बिल्कुल सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके बनाया गया है। तो उसके बाद ये आदिवासियों की हितैषियों की बनने की जब बात करते हैं तो ये बात बड़ी बेमानी सी लगती है कि जिन लोगों ने खुद आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, अगर वो आदिवासियों के हितैषी बनने लगे तो ये बड़े दोहरे चरित्र वाली बात हो जाती है। आज जिस तरीके से इन्होंने फिर से बात की कि हम एक होकर लड़ेंगे, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया कि कांग्रेस को जल्दी निर्णय लेना चाहिए, पिछले एक वर्ष से यही कवायद चल रही है। बिना नीति सिद्धांत का जब कोई गठबंधन बनता है तो ऐसी ही सीन्स आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजनीतिक समानताएं काफी रूप से है और ये इनके नेचुरल अलायंस पार्टनर है। राहुल गांधी का पदार्पण हुआ कांग्रेस में युवराज के रूप में, बाद में उनकी ताजपोशी हुई। हेमंत सोरेन का पदार्पण हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा में युवराज के रूप में, बाद में उनकी भी ताजपोशी हुई। उसके बाद इस चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की बहन अंजलि जी का भी पदार्पण हुआ और प्रियंका वाड्रा जी का भी पदार्पण हुआ। तो ये दोनों बिल्कुल नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं, जो वंशवाद की राजनीति होती है, एक दूसरे को यह अनुसरण करते हैं, एक दूसरे को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। हम अभी भी मानते हैं कि ये जो गठबंधन है ये अगर रूप लेता भी है तो जनता जान रही है, जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से ये ड्रामेबाजी चल रही है। बिना नीति सिद्धांत का ये गठबंधन है, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये गठबंधन बन रहा है, इसे जनता रिजेक्ट करेगी। और हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के मुद्दे पर आया, विकास के मुद्दे पर आया और देश की संप्रभुता के मामले में भी आया। आपको एक बात और याद रखना होगा कि ये वही बाबूलाल मरांडी है जो वायुसेना के हमले का सबूत मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों को देश की जनता, राज्य की जनता आगे आने वाले चुनाव में रिजेक्ट करेगी। धन्यवाद।